हेलो दोस्तों, बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती को लेकर आज की न्यू अपडेट के बारे में। चलिए जानते हैं आयोग ने आज क्या अपडेट जारी किया है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने बताया है कि यहाँ पर जो है जवाब नहीं दे रहे पेपर लीक मामले के आरोपी। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग ने 10 फरवरी को 56 लोगों के लिए लिस्ट तैयार किया था, जिसके नाम सार्वजनिक किए थे और कहा है कि 2 मार्च को यहाँ पर जो है लगभग इतने 49 लोगों ने जवाब दिया है, लेकिन बाकी लोग यहाँ पर जवाब नहीं दे पा रहे पेपर लीक वाले। और कहा गया है कि यहाँ जो पटवारी पेपर लीक और जेई भर्ती लीक प्रकरण में आरोपी जो चिन्हित थे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, और इसमें यहाँ पर बताया गया वह जो है आयोग को नोटिस का जवाब नहीं दे रहे हैं, और अब तक जो है कुछ एक के यहाँ जो जवाब ही मिल पाए हैं, और इससे जो है आयोग अभी तक जो है उनको लेकर जो है प्रतिबंधित नहीं कर पाया है, क्योंकि जिनका यहाँ पर जो है अभी प्रतिबंध मांगा गया है कि क्या करना करके, और उसमें यहाँ पर जो है लगभग जो आरोपी होंगे अपना कुछ स्टेटमेंट देंगे तो ठीक है, उस हिसाब से कार्रवाई करेंगे, नहीं तो उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षाओं से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा, आयोग ने कहा है। और आयोग के जो यहाँ पर सचिव हैं उनकी तरह कहा गया कि हमने जो है नोटिस भेजे हैं, कुछ के जवाब भेजे हैं, बाकी के जवाब का यहाँ पर इंतजार है, और इसके बाद जो है आयोग में मामला रखा जाएगा, आयोग में मामला रखा जाएगा, और उसी हिसाब से जो है परीक्षार्थियों से यहाँ जो डिबार करने की प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी, यानी कि जो है भर्तियों से बाहर करना है क्या करना है उसको लेकर जो है आयोग फैसला लेगा। इस तरह की यहाँ पर बात कही गई है, जिनमें पटवारी लेखपाल में 44 लोग, जेई भर्ती में 12 लोग, इनकी पुष्टि हो चुकी थी, इसमें जो है लोगों के नाम सार्वजनिक किए गए थे, और उनमें से लगभग 56 लोगों के यहाँ पर जो है कुछ लोगों के ही यहाँ पर जवाब आए हैं, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिए।